লিঙ্গ সংবেদনশীলতা নিয়ে আলোচনা সভা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির সহায়তায় বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা খড়িবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত বিন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির প্রকল্প আধিকারিক সুশান্ত নন্দী উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিন্দাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রমোদ প্রসাদ, পঞ্চায়েত সচিব নিমাই মজুমদার, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রধান শিখা রায়, এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য, আশা দিদি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা, এলাকার মায়েরা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েরা সবসহ 80 জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প অধিকর্তা তরুণ কুমার মাইতি জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা, বর্তমানে ভারতবর্ষে মহিলাদের প্রতি হিংসা চিত্র ও ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের প্রকল্পের অন্তর্গত নানান কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেন। যেহেতু এদিনের আলোচনার মূল বিষয় ছিল মহিলা ও শিশুদের জেন্ডার ইস্যু, সেই বিষয়ে স্লাইড শো ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সংস্থার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্যামশ্রী চৌধুরী। घर में बच्चे को संभालती थी, खाना बनाती थी, घर को सुंदर रखती थी और पुरुष की जिम्मेदारी हमेशा से थी कि वो बाहर जाता था, शिकार करता था, घर के लिए खाने का प्रबंध करता था। ठीक है, इतने हजारों साल बाद भी आज महिला जो है वही है जो घर को संभालती है। पुरुष संभाल सकता है क्या घर को? आप लोग संभाल सकते हैं अकेले घर? जरूरत पड़ती है घर संभालने के लिए महिला की। परिवार कभी भी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती है, एक पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है। ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने जो भी नाम लिखे, पुरुष को स्त्रियों से थोड़ा ताकतवर बनाया, पर ताकतवर बनाने इसलिए बनाया था कि पुरुष क्या कर सके, महिलाओं की सुरक्षा कर सके। लेकिन पुरुष ने उसका दुर्व्यवहार किया। पुरुष क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी की, अपने घर में बेटी की, बहनों की रक्षा करने की जगह उसके ऊपर अत्याचार करता है। और आज इसीलिए संसार में नियम बनाया गया है महिला सुरक्षा का। पुरुष सुरक्षा का कोई नियम है क्या? सुने कभी? केवल महिला सुरक्षा के लिए नियम बनाया। क्यों? क्योंकि पुरुषों ने अपने जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। पुरुषों को जो ईश्वर ने वरदान दिया था, ताकत दिया था, शारीरिक जो स्ट्रक्चर था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने से कमजोर है उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें, और वो नहीं होने के कारण आज सरकार को नियम बनाना पड़ा। अगर पुरुष सचमुच में अपनी जिम्मेदारी का इस्तेमाल करता तो आज ये नियम और कानून नहीं बदलना चाहिए।